हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत ही जबरदस्त, मस्त और बिंदास चल रही होगी। तो हम लोग जो है इससे पहले मॉडर्न फिजिक्स का 4 लेक्चर को देख चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आई होप कि ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है वो बाद की बात है, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए रिवाइजिंग करूंगा, उसके बाद फिर अपना टॉपिक में आज का लेक्चर में आऊंगा। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दैत्य प्रकृति, यानी प्रकाश की जो कहानी जब से स्टार्ट हुई थी वो बहुत ही लॉन्ग टाइम से चल रहा था और फाइनली साबित हो जाता है। सबसे पहले तो ये साबित होता है कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर जैसा बिहेव करता है, तरंग प्रकृति जैसा बिहेव करता है, ये बात पुष्टि हो जाती है। और प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं का जो व्याख्या है वो वेव नेचर तरंग प्रकृति द्वारा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ घटनाएं जो है प्रकाश की वो वेव थ्योरी करने में असमर्थ रहता है, वो कर नहीं पाते हैं। उसके कई सालों बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन साबित कर देता है कि प्रकाश जो है वो पार्टिकल नेचर कण प्रकृति जैसा भी बिहेव करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की कुछ घटनाओं का व्याख्या वेव नेचर कर पाते हैं और प्रकाश की कुछ घटनाओं का जो व्याख्या है वो पार्टिकल नेचर कण प्रकृति के द्वारा होता है। इस तरह से साबित होता है कि प्रकाश की समस्त घटनाओं का व्याख्या केवल एक नेचर द्वारा नहीं हो पाता है, अर्थात प्रकाश जो है वो दोहरा प्रकृति को प्रदर्शित करता है, अर्थात वो ड्यूल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट दोहरा प्रकृति जैसा व्यवहार करता है क्यों? ठीक है, तो प्रकाश की समस्त घटनाओं का व्याख्या केवल वेव थ्योरी या पार्टिकल नेचर द्वारा नहीं हो पाता है, अर्थात समस्त घटनाओं का व्याख्या के लिए दोनों नेचर की आवश्यकता पड़ती है, यही इसीलिए ये जो है दोहरा प्रकृति जैसा बिहेव करता है। तो एक लंबी एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात वेरीफाइड हो जाती है कि प्रकाश में तो तरंग प्रकृति होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, कण प्रकृति होता है। ये बात लगभग जो है साबित हो जाता है और 1917 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सफल व्याख्या प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ प्रकाश की कई घटनाओं का व्याख्या पार्टिकल नेचर द्वारा हो जाता है और इस खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये सारी कहानी मतलब कि कंप्लीट ही हुआ था, मतलब खोज हुआ ही था कि एक नया साइंटिस्ट आके टपक जाता है और जिस व्यक्ति का नाम है डी ब्रोगली। क्या नाम है? डी ब्रोगली। और ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, बल्कि एक हाइपोथेसिस देता है। और हाइपोथेसिस में क्या कहता है कि जिस तरह से प्रकाश जो है ड्यूल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार दुनिया का हर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ही नाम लिया जिसे चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, बोला कि जब ये गति करता है, क्योंकि इसमें तो मास होता ही है, पार्टिकल होता ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑलरेडी, बोला कि जब ये गति करता है तो ये वेव्स के साथ जुड़ जाता है, वेव्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, यानी जब ये गति करता है तो वेव्स को प्रदर्शित करता है। बात यहीं तक नहीं रुका, ठीक है, और तुम लोग को मालूम है कि ये जो है कोई प्रूफ नहीं दे रहा, हाइपोथेसिस दे रहा, परिकल्पना कर रहा है। ठीक है, कल्पना कर रहा है कि ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन ही नहीं, दुनिया का हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान है अगर वो गति करता है तो उसमें क्या होता है, वेव्स होता है। गेंद अगर गति कर रहा है तो उसमें वेव्स होता है, मनुष्य अगर गति कर रहा है तो उसमें वेव्स है, अगर कोई भी चीज, अगर पृथ्वी गति कर रहा है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। जब आप गति करते हैं ना, जब आप चलते हैं ना, दौड़ते हैं ना, तो आपका बॉडी जो है वाइब्रेट करता है, यानी उसमें तरंग होता है। और ये बात बिना प्रूफ का, बिना एक्सपेरिमेंट का, बिना वेरिफिकेशन का बता रहा है। कौन बता रहा है? डी ब्रोगली साहब बता रहे हैं कि वो भी परिकल्पना। इस सोच रहा एक अलग ही स्टेटमेंट, मतलब जो है ना सामने ये लोग का जैसे ही खत्म हुआ, मैक्स प्लांक और आइंस्टीन का थ्योरी, और एक चीज से तो निकले, एक चीज तो साबित हुआ कि प्रकाश जो है ड्यूल नेचर जैसा बिहेव करता है। एक लंबी कहानी न्यूटन से लेके, हाइगेंस से लेके,
और रेने दा कार्ते से लेके बहुत सारे साइंटिस्ट की बहुत सारी कंसेप्ट पढ़ने के बाद एक चीज प्रूव ही हुआ था, साबित हुआ था कि प्रकाश में दोहरा प्रकृति होता है। ये एगो एक नया बात लेके आ जाता है, कौन? डी ब्रॉगली। और क्या बात लेके आ रहा है कि हाँ, कि दुनिया का कोई भी चीज अगर वस्तु गति कर रहा है तो उसमें तो पार्टिकल होता ही है, कण तो होता ही है, द्रव्यमान तो होता ही है, लेकिन उसमें तरंग भी होता है। तो बहुत सारा साइंटिस्ट बोल रहा है, काहे तुम्हारा बात को मानेंगे, तुम तो कोई प्रूव नहीं दिया है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, काहे तुम्हारा बात को हम मानेंगे। ठीक है, उसको बोल रहा है, बोला नहीं हमारा बात में सच्चाई है। तो लोग बोला कि सच्चाई है वो अलग बात है, लेकिन तुम हाइपोथेसिस कर रहे हो ना, तुम्हारा बात को क्यों माने? तो बोला कि ठीक है, तो उस जमाने का सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट था वो अल्बर्ट आइंस्टीन था। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन को वहां पर मीटिंग के लिए, विचार के लिए बुलाया जाता है और सभी साइंटिस्ट रहते हैं। ठीक है, ये अपना प्रस्ताव को, प्रपोजल को रखते हैं सामने अल्बर्ट आइंस्टीन का कि दुनिया में अगर कोई भी वस्तु अगर गति करता है, गेंद हो, इंसान हो, या कोई भी चीज अगर कोई वस्तु गति करता है तो द्रव्यमान तो होता ही है उसमें, उसमें वो तरंग भी होता है, वेव भी होता है, वेवलेंथ भी होता है, वो वाइब्रेशन करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला इसकी बात में दम है, इस बात को नोट किया जाए। और पता है तुम लोग को, इस बात के लिए डी ब्रॉगली को जो है ना 1929 में नोबेल प्राइज दिया गया। ये बात जब दिया गया था तो 1924 में ये स्टेटमेंट दिया गया था। कब दिया गया था? 1924 में, लेकिन 1929 में इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस बात के लिए। बाद में 3 साल बाद 1927 में दो साइंटिस्ट डेविसन और जर्मर आया और इसका बात को साबित कर दिया, 100% सच निकला इसका बात। और इसका बात के लिए उसे 1929 में नोबेल प्राइज दे दिया गया, नोबेल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज। ठीक है, जो सिर्फ 6 क्षेत्र में ही दिया जाता है, और दुनिया का बिगेस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड। ठीक है, उस प्राइज को लेने के लिए ना इंसान क्या से क्या नहीं करते हैं, लेकिन सबको मिलने वाला नहीं है। खैर, टॉपिक नोबेल प्राइज नहीं है, टॉपिक है हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उसने कहा कि चार्ज पार्टिकल, पहले चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोला, कि जब वो गति करते हैं तो वो वेव्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को नोट कर लो तुम लोग, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, इसको ड्यू नेचर को मिटा रहा हूँ, और तुम लोग नोट करो इसको, स्टेटमेंट को, इम्पॉर्टेंट है काफी। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, मूविंग मतलब क्या होता है जी? गतिमान आवेशित कण। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल में कौन कौन आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहां माइनस मतलब नेगेटिव होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मूविंग चार्ज पार्टिकल वेव्स के साथ, वेव्स के साथ एसोसिएटेड, एसोसिएटेड रहते हैं। मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वेव्स, तरंग के साथ एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ रहना, एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इन वेव्स को मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली अपने ही नाम पर रखता है। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव्स कहा जाता है। ये जो वेव का नाम दिया गया, या तो मैटर वेव्स कहा जाता है या डी ब्रॉगली वेव्स कहा जाता है। कोई भी साइंटिस्ट जब कोई चीज खोज करता है तो नॉमिनक्लेचर जब नामकरण करता है तो अपना नाम देता है। ठीक है, आप भी अपना नाम दे सकते हैं। अगर मान लो कि आपका नाम कालू है तो कालू वेव्स दे सकते हैं, लालू है तो, एक बात बोल रहा हूँ यार, लालू वेव्स दे सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम गोलू है तो गोलू वेव्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, वो डी ब्रॉगली ने किया था तो डी ब्रॉगली वेव्स है। न्यूटन अगर खोज करता तो न्यूटन के नाम पर पड़ जाता है। तो इन वेव्स को मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव कहा जाता है। और इसका वेवलेंथ को, इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। इसका वेवलेंथ को डी ब्रॉगली या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा कहा जाता है, कहा जाता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को क्या? लैम्डा द्वारा सूचित करता है, कहा जाता है। तो ये उसका स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर आपको कहता है, ध्यान से देखो, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से 10-15 मिनट लेक्चर को ध्यान देखो। ठीक है, सुनो और समझो और लिखो,
मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, हर टॉपिक याद हो जाएगा, तुम लोग को रटना ही नहीं होगा। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स अगर आपको बोरिंग लगता है तो सच बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, मास्टर बोरिंग है, बोरिंग टीचर के पास पढ़ते हैं इसलिए आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता है। फिजिक्स का ध्यान से समझो और व्यावहारिक दुनिया में यानी हमारी जो जिंदगी हम जो जीते हैं अगल बगल में जो घटनाएं घटती है ना वही फिजिक्स है। तो फिजिक्स को ध्यान से देखो, खाली ये ट्रिंग ब्रिंग IIT नीट चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब चला जाएगा नीट और IIT में, पता चले कोई क्वेश्चन नहीं बना, बिहार बोर्ड का नहीं बना, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो और समझो। मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग मतलब क्या होता है, गतिमान, जो गति कर रहा है, कोई भी चीज अगर गति कर रहा है कुछ भी हो सकता है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम दिया, बाद में बोला कि दुनिया का कोई भी वस्तु अगर गति करता है तो वो वेव्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएटेड मतलब संबंध, ठीक है, यानी जुड़ा हुआ रहता है, किसके साथ, तरंग के साथ। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसमें द्रव्यमान तो होता ही है, मास तो होता ही है, जब वो गति करता है तो उसमें तरंग उत्पन्न होता है, वेव्स उत्पन्न होता है। ये बात बोलने वाला कौन था, डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली कोई प्रूव नहीं दे रहा है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, हाइपोथेसिस परिकल्पना, समय सोच के बोल रहा है, मतलब परिकल्पना कर रहा है, मान रहा है, सपोज कर रहा है, ठीक है। इन वेव्स को मेटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स कहा जाता है। कई बार इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेटर वेव्स, द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली वेव्स किसे कहा जाता है, तो बस इतना ही लिख देना है इसे कहा जाता है। इसका वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाता है, इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। अब है कि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए व्यंजक प्राप्त करें, सूत्र प्राप्त करने के लिए बोलेगा, क्या प्राप्त करने बोलेगा, सूत्र प्राप्त करने के लिए बोलेगा या व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोलेगा, एक्सप्रेशन, ठीक है, किसके लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए कोई सूत्र या फॉर्मूला है, तो है ना, ठीक है, आइए देखते हैं और हम लोग समझते हैं। तो यहां पर हम लोग कहेंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, आइए देखते हैं हम लोग सूत्र प्राप्त करते हैं, इक्वेशन प्राप्त करते हैं। तो पहले हम लोग बोलेंगे प्लांक्स इक्वेशन, प्लांक्स इक्वेशन पूरा नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने एक समीकरण दिया E बराबर एच न्यू, प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, एच न्यू होता है ना। तो ये जो इक्वेशन दिया था मैक्स प्लांक ने, इसलिए उसे अपने नाम पर मैक्स प्लांक्स इक्वेशन कहा जाता है। E बराबर क्या होता है, एच इंटू न्यू होता है। चलो ध्यान से देखो और समझो प्रॉपर, प्लांक्स इक्वेशन E बराबर एच न्यू। अच्छा एच क्या है, तो एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब है आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन, तो E इक्वल टू क्या होता है, m इंटू सी स्क्वायर, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। इक्वेशन से क्या मान लिए, दो मान लिए, ठीक, ये इक्वेशन भी फेमस है, नीचे वाला आइंस्टीन का इक्वेशन है और ऊपर वाला प्लांक्स का इक्वेशन, मैक्स प्लांक का, और दोनों लाइट से संबंधित है, चार्ज पार्टिकल से ही संबंधित है। अब यहां पर तुम लोग बताओ कि दोनों का जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, LHS जब बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग पाते हैं, फिजिक्स का थ्योरी प्रूव हो रहा है, ध्यान दो, ठीक है, कुछ नहीं है फिजिक्स, तो एच न्यू और इधर एम इंटू सी स्क्वायर। अच्छा एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, सी स्पीड ऑफ लाइट है या मास ऑफ फोटोन है, जो भी है। तो एच प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू, न्यू को क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे लैम्डा बराबर एम इंटू सी स्क्वायर। चलो यहां तक अगर हो गया हो तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि न्यू बराबर, न्यू फ्रीक्वेंसी है, सी बटे क्या होता है लैम्डा। अच्छा ये न्यू को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लैम्डा को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, और सी हो गया स्पीड, हो गया चाल, हो गया सी, हो गया चाल, लिख दिए तुम लोग, या वेलोसिटी वेग होता है, ठीक है ना, छोटी छोटी बात को मत लिखवाओ। तो न्यू बराबर सी बटे लैम्डा, तो यहां दो गो सी है, यहां एक गो है, तो स्क्वायर और ये सी क्या हुआ, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, एच बटे लैम्डा, क्योंकि सी तो कैंसिल हो गया, तो एच और नीचे क्या बचा, लैम्डा, और उधर एम इंटू सी, एम इंटू सी, तो एच बटे एम सी और बराबर लैम्डा, इसीलिए लैम्डा बराबर एच बटे एम सी,
ये फॉर्मूला हो गया। अब c जो है स्पीड है या वेलोसिटी है, तो चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसे भी माना गया है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज भी, देन इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज भी, यानी c को हम लोग क्या मान रहे हैं, भी, देन तो लैम्डा h by mc, तो mc का जगह क्या होगा m, c का काम कौन कर रहा है भी, तो लैम्डा बराबर h बटे और मास इनटू, हम लोग जानते हैं मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या है pf का, मोमेंटम है, मोमेंटम और मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, मास को m और भी वेलोसिटी। तो m एम भी की जगह हम लोग यहां पर p लिख सकते हैं, p बराबर एम भी होता, तो लैम्डा बराबर h बटे क्या हो गया p हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर ये दो इक्वेशन आ गया, लैम्डा बराबर h बटे एम भी और एम भी की जगह p काम कर रहा है। इसी इक्वेशन को बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली का समीकरण, डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली का समीकरण। देखो यहां पर दो साइंटिस्ट को लिया, एक प्लैंक्स का और एक आइंस्टीन को लेकर एक थर्ड इक्वेशन बन रहा है, थर्ड समीकरण बन रहा है, और थर्ड समीकरण को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं, और इस लैम्डा को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाता है। इस तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है और साबित हो जाता है, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये इस तरह से फॉर्मूला आ जाता है, लैम्डा को ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाता है। आई होप कि ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये जो एक्सप्लेनेशन हुआ डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो व्यंजक या सूत्र प्राप्त हुआ, यह भी आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखो, आप लोग मैं जानता हूं कि बहुत बेचैन होंगे, जो भी आप लोग इस वीडियो को मेरा देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप बहुत बेचैन होंगे, ये सोच रहे होंगे कि आगे एग्जाम है। ऑब्वियसली इस टाइम सब कोई रहता है बेचैन रहता है, बिल्कुल बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं बेचैन होकर। आपको क्या करना है, बस डेली जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसको अच्छी तरह से देखना है, नोट करना है, समझना है और पढ़ना है, इधर उधर बात नहीं करना है, इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ किताब में है, पढ़ने से नहीं होता है, आपका एग्जाम में वही चीज काम देगा जो आप जानते हैं, आपके दिमाग में है, ठीक है। होता क्या है हम लोग कि जैसे हम लोग मोबाइल को खोलते हैं तो बहुत सारे वीडियो आए हुए रहते हैं या छोटे छोटे रील्स आए हुए रहते हैं, तो आपको लगता है कि क्षण भर में एक मिनट दो मिनट में देख के फिर हम जो है वापस आ जाएंगे, किताब में आ जाएंगे, कॉपी में आ जाएंगे या वीडियो लेक्चर में आ जाएंगे, लेकिन सच बताऊं मैं आपको तो ऐसा नहीं होता है। वो एक मिनट कैसे आपका एक घंटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आपको रियलाइज नहीं होता है, एहसास नहीं होता है, और आप जानते हैं कि अभी का समय आप लोग का कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक क्षण एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो फ्रेश होके बैठे, एकदम फ्रेश के होने का मतलब है कि अच्छी तरह से पानी पी ले, जहां पढ़ने बैठ रहे हैं चेयर लगा ले, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस टाइम, जो रियलिटी है कि वो दीवार में क्या करते हैं, झुक के बैठ जाते हैं और ब्लैंकेट जो है ओढ़ लेते हैं या सो सो के पढ़ते हैं, ठीक है। देखो मोबाइल देख रहे हैं उस टाइम वो अलग बात है, लेकिन आपका बॉडी चूंकि मेंटली हरासमेंट बहुत ज्यादा होता है जब आप पढ़ाई करते हैं, एक फिजिकल होता है, फिजिकल मतलब कोई काम कर रहे हैं उससे बॉडी अच्छा होता है, उसमें थकान जो भी है ठीक है, लेकिन उतना नहीं होता, लेकिन जब मेंटली वर्क करते हैं, माइंड से जब कोई काम करते हैं, सोचते हैं, तो बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, और आप जरा सा आराम करने जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है, और खास करके इस टाइम तो और ज्यादा नींद आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पानी ज्यादा पीना होगा, ठीक है, फ्रेश रहना होगा, रूम को साफ सुथरा रख के अच्छी तरह से, मतलब चेयर में किताब कॉपी को या फिर मोबाइल को आगे रखकर अच्छी तरह से देखना होगा, समझना होगा, ठीक है, नेगेटिव चीजों से बचना होगा, सोना भी होगा आपको, ऐसा बात नहीं है, कम से कम 6-7-8 घंटा तो सोना ही होगा। और एक बात जान लो कि कितनों क्लास कर लीजिए, कितनों कर लीजिए कोचिंग, दिन भर कर लीजिए, ठीक है, 10 जगह कर लीजिए, सब कुछ बेकार चला जाएगा जब तक आप कोई भी चीज को समझ कर नहीं पढ़ते हैं, माइंड में नहीं रखते हैं, रिवाइजिंग नहीं करते हैं, लिखते नहीं है, तो फिर सारा चीज बेकार है, ठीक है। बताइए, मात्र आपको 50% वहां पर लिखना है, कितना परसेंट, 50%, जो भी क्वेश्चन आएंगे
50%, लेकिन ये मायने रखेगा कि उस 100% में हम जानते कितना है, कितना हमको याद है, 10% याद है कि 20% याद है। मान लो कि 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 50 बनाना है। एक मैं छोटी सी बात सिंपल दे रहा हूँ आपको कि ये कितना जानते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कॉपी में तो सब कुछ है लेकिन आप सही से नहीं जानते हैं, तो ऐसा लगेगा आपको कि सब कुछ बेकार है, ठीक है। तो कैसे पढ़ा जाए जो हम बेटर कर सकें, मतलब कि अच्छा कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। जैसे मान लो कि ये मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट चल रहा है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन को ही लाइट कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, विकिरण हिंदी में बोलते हैं। तो इसका जो है ये पांचवा लेक्चर है और आप देख रहे हैं कि मैं कितना छोटा छोटा लेक्चर एक टॉपिक दो टॉपिक से ही रिलेटेड डाल रहा हूँ, 15 मिनट 20 मिनट का। और आपको इसको जो है नोट करना है, जैसे कि यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है आपके सामने, कितना छोटा स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से एक दो बार पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे तो जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। एक दो बार अच्छा से देख लेंगे वीडियो को, उसके बाद इस थ्योरी को लिखना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मान लो इसमें बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं या नए लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस चीज को, इस वीडियो लेक्चर को, तो बहुत सारा टर्म उसको समझ में नहीं आएंगे कि सर ये क्या है, वो क्या है, ये कहां से आ गया, कहीं से नहीं आया, सब इसी चैप्टर में है। उसके लिए आपको शुरू से देखना होगा, लेक्चर नंबर 1 देखना होगा अच्छी तरह से, उसकी सारी बात को कॉपी में नोट करना होगा, छोटी छोटी टर्म जो है ध्यान से सुनना होगा और उसको लिखना भी होगा, समझना होगा। फिर लेक्चर नंबर 2 को 3 को 4 को तब आप 5 देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा जो भी मैंने बात बताया, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अगर ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं फिर से एक बार फाइनली कह रहा हूं आपको कि समय को इधर उधर बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। अभी आपको रूम में रहना है, ज्यादा से ज्यादा खुद स्टडी करना है, कितनों आप दौड़ भाग लीजिए, कितनों पढ़ लीजिए, सबका सब धरा रह जाएगा, कॉपी में ही रह जाएगा, वही काम देगा जो आपके माइंड में है या जो आप जानते हैं, जिस टॉपिक पर आपका पकड़ है, ठीक है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं, अच्छा इसमें दो टॉपिक और रह गए और कुछ नंबरिकल बनाना है इस टॉपिक से रिलेटेड। दो टॉपिक का मतलब है कि दो छोटा छोटा फॉर्मूला, मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा वो दो टॉपिक को पढ़ाने के लिए, और नंबरिकल जो है 4-5 नंबरिकल बनाना है तो कम से कम 20-25 मिनट लगेगा। तो हम चाह रहे हैं कि उस वीडियो को हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में अपलोड करें, ठीक है। मेरा एक ही चीज मानना है कि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा करके हम लोग पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर एटम्स पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ इसके आगे, बात आप लोग समझ ही रहे हैं।